सिंपल स्मॉल टू बेडरूम हाउस डिज़ाइन जिसमें 13x40 फीट वाइड एंड लेंथ का हाउस डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो इस डिज़ाइन के अंदर हमने दो बेडरूम के साथ 1 कॉमन टॉयलेट, 1 किचन, 1 ड्राइंग रूम और उसके साथ स्मॉल स्टेयर सिटिंग एरिया डिज़ाइन किया है। एक 3 फीट 9 इंच वाइड का यहाँ पर एक पैसेज हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। एक बिग साइज बेडरूम और एक नॉर्मल साइज बेडरूम यहाँ पर हमने बेड कम स्टडी रूम क्रिएट किया है ड्राइंग के अंदर। ओके, ड्राइंग का एक साइड का जो वॉल है हमने आउट कर दिया है जस्ट 3D यहाँ पर पूरा आपके साथ शेयर करने के लिए। तो इसके एक साइड में विंडो क्रिएट किया है, फ्रंट साइड में विंडो क्रिएट किया है, लेफ्ट साइड और फ्रंट साइड, राइट साइड बैक साइड में कोई विंडो इसके अंदर हमने क्रिएट नहीं किया है। और इस प्लान डिज़ाइन के अंदर जो टोटल स्क्वायर फीट है 40x13 520 स्क्वायर फीट का हाउस डिज़ाइन, इसके अंदर 2 बेडरूम, 1 किचन, 1 टॉयलेट, 1 स्टेयर एरिया एंड 1 पैसेज मैंने इस ड्राइंग के अंदर इस्तेमाल किया है। हम इसका डिटेल्स ड्राइंग इस ड्राइंग के अंदर शो करने वाले हैं। ड्राइंग के अंदर इसका डिटेल्स ड्राइंग शो करने के बाद 13x40 520 स्क्वायर फीट का 2 बेड, 12 फीट 2 इंच एंड 10 फीट 6 इंच लेंथ इनटू ब्रेथ, नेक्स्ट 3 फीट 9 इंच वाइड पैसेज, किचन 8 फीट और 6 फीट लेंथ इनटू ब्रेथ किचन एरिया, 9 फीट इनटू 8 फीट बेडरूम एरिया एंड 8 फीट इनटू 4 फीट बेडरूम एरिया टॉयलेट एरिया, 8x4, 8x9 एंड स्टेयर 8 फीट इनटू 12 फीट 2 इंच एरिया के अंदर ऐड किया है। जो ड्राइंग के अंदर जो प्लानिंग दिखाया है इसको हम 13x40 के हिसाब से घर बना सकते हैं। आपको अगर इसका टोटल कॉस्ट इसके यहाँ पर मिल रहा है, जो कॉस्ट है यहाँ पर 520 का स्क्वायर फीट का कॉस्ट आपको टोटल मिल रहा है इसके अंदर 7 लाख से 8 लाख के अंदर, कम बजट के अंदर आप इस टाइप का डिज़ाइन बना सकते हैं और प्लानिंग बना सकते हैं। तो आपको प्लानिंग डिज़ाइन पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। इसमें कुछ ऐड और डिज़ाइन में कुछ मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करके इसको भी चेंज करके प्लानिंग प्लान बना सकते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लानिंग एंड डिज़ाइन।